तो बजट तो है, लेकिन राज्य सरकारों को दिखानी होगी इच्छा शक्ति, तभी पार पा सकते हैं इन बीमारियों से। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के साथ आज राजधानी दिल्ली में देश की 12 चुनिंदा महिलाओं को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सम्मान से सम्मानित किया। देश भर से प्राप्त लगभग 1000 नामांकन में से ऑनलाइन वोटिंग और शीर्ष स्तरीय निर्णायक मंडल द्वारा इन महिलाओं को चुना गया। डीडी न्यूज ने ऐसी ही एक पुरस्कृत महिला डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से बात की, जिन्होंने वृंदावन में विधवाओं की मदद की है। थैंक यू सर फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। मेरे साथ लक्ष्मी गौतम जी हैं, इन्हें एंजल ऑफ वृंदावन भी कहते हैं। इनका जो कार्यक्रम है, जो विडोज हैं वृंदावन की, उनके साथ हैं। मैम जरा बताएंगे कि आप क्या करते हैं वृंदावन में, आपको एंजल ऑफ वृंदावन क्यों कहा जाता है? लगभग 20 साल से इन माताओं के साथ रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। वृंदावन एक ऐसी जगह है जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है, इसलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल से बेसिकली महिलाएं ज़्यादा आती हैं, और उनमें भी 70% महिलाएं विडोज होती हैं जो कि वृंदावन आती हैं अपने घर परिवार से दूर। ये सोच कि मुझे मदद करनी है इनकी, ये कब आई, कैसे आई, आपको क्या दिखा, कुछ एनेक्डोट? मैं चूंकि वृंदावन की बेटी हूं, तो बचपन से वहां की गलियों में मैंने इन माताओं को देखा है। तो और महिलाओं से अलग, जैसे सारी महिलाएं बड़ा श्रृंगार से और अच्छे से रहती हैं, ये महिलाएं सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, तो ये प्रेरणा वहीं से आई कि जब भी मैं कुछ करने लायक होंगी तो इन माताओं के लिए ज़रूर करूंगी। मेरा आखिरी सवाल, मुझे ये बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और महिलाओं को कि वो आपके इस आंदोलन में जुड़ सकें? महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, केवल वृंदावन मथुरा नहीं, पूरे देश की महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि वो अपने घर से निकलें और समाज की ऐसी उपेक्षित महिलाओं को, उपेक्षित बेटियों का सहारा बने, उनको भावनात्मक लगाव दें, जिससे कि वो अपनी दिशा में आगे बढ़ सकें। तो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश